आमिर खान फिल्मों में आने से पहले ही फिल्म कैसे बनती है इसकी बारीकियां उन्होंने सीख ली थी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आमिर खान मौजूदा दौर में बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन चुनिंदा सुपरस्टारों में से एक है जिनकी खुमारी आज भी बरकरार है। और पिछले करीब एक दशक से लगातार आमिर खान की फिल्मों को लेकर एक ऐसी बात भी कही जाती है कि आमिर खान अपनी फिल्मों से कोई ना कोई बड़ा संदेश समाज को देना चाहते हैं और उनकी फिल्मों को बड़े पर्दे पर खूब पसंद भी किया जाता है। आमिर खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन बेहतरीन सुपरस्टारों में से एक हैं जो साल भर में या फिर दो साल में एक ही फिल्म करते हैं, लेकिन उस फिल्म की खुमारी चारों तरफ देखने को मिलती है, साथ ही फिल्म का कलेक्शन भी काफी ज्यादा शानदार रहता है। तो इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि आमिर खान अपनी फिल्मों को 100% परफेक्ट बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं और उन्हें फिल्म मेकिंग का अच्छा खासा अनुभव भी है, इसीलिए तो उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब आमिर खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन कलाकारों में से एक हैं जिनका स्वभाव काफी ज्यादा शालीन है। वो बहुत ही कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार आमिर खान कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं और ऐसे कुछ उन्होंने गोविंदा की फिल्म को लेकर कह दिया था। गोविंदा की फिल्म को लेकर आमिर खान ने जो कुछ कहा था उस समय काफी ज्यादा सुर्खियां छा गई थी और इसके बाद गोविंदा और आमिर खान के बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। अब इनिशियली डेज में गोविंदा के पास जैसे ही फिल्में आनी शुरू हो गई वो धड़ाधड़ फिल्में करते रहे और आने वाले समय में वो एक बड़े सुपरस्टार बन गए। हालांकि आमिर खान के भी स्टारडम में कोई कमी नहीं देखने को मिली। उनकी 90s के दौर में कई सारी ऐसी बड़ी फिल्में रही जिन फिल्मों की खुमारी आज तक बरकरार है, लेकिन दोनों स्टार के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। फिल्मों में बारीकियां सीखने के बाद आमिर खान जब इंडस्ट्री में आए तो अपनी फिल्मों को 100% परफेक्ट बनाना चाहते थे और वो बहुत ही गिने चुने फिल्में किया करते थे। हालांकि इनिशियली डेज में आमिर खान ने कई सारी फिल्में की, लेकिन लगातार उनकी कई सारी बड़ी फिल्में फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया था और उन्होंने ये ठान लिया था कि भले ही मैं साल दो साल बाद एक ही फिल्म करूं, लेकिन उस फिल्म के जरिए कोई ना कोई मैसेज समाज को जरूर पहुंचे। आमिर खान का मानना था कि फिल्म तभी हिट होती है जब फिल्म की कहानी दमदार होती है, फिल्म कभी स्टार के बलबूते पे नहीं हिट होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गोविंदा के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गोविंदा 90s के दौर में इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि उनकी नाम से फिल्में हिट हो जाया करती थी। गोविंदा कॉमेडी में जब आए तो कॉमेडी में उनका कोई भी तोड़ नहीं था और कॉमेडी से लवरेज उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित रहती थी। गोविंदा जिस भी फिल्म का हिस्सा बन जाते थे अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइम से दर्शकों का दिल जीत लेते थे। हालांकि आमिर खान ने भी कॉमेडी में अपना हाथ आजमाया, लेकिन इसे उन्होंने कभी भी रिपीट नहीं किया। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान आमिर खान ने एक से बढ़कर एक किरदार बड़े पर्दे पर निभाए और उन किरदारों को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। धीरे धीरे इन दोनों स्टार का करियर का ग्राफ आगे बढ़ने लगा और एक बार एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने गोविंदा की फिल्म आंखें की बेइज्जती कर डाली थी और ये सब हुआ था एक इंटरव्यू के दौरान। शो का होस्ट जब आमिर खान से पूछता है कि फिल्में कैसे हिट होती हैं, तो आमिर खान इस बात का जवाब देते हैं कि फिल्में कहानी के बलबूते पर हिट होती हैं, ना कि स्टार के दम पर। ऐसे में होस्ट कहता है कि गोविंदा की फिल्म आंखें कैसे हिट हुई, क्या उसमें बंदर था इसलिए हिट हुई? तो इस बात को सुनते ही आमिर खान जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद ही आंखें फिल्म की बुराई करने में आमिर खान लगे। आमिर खान ने इस दौरान कहा कि इस फिल्म को मेरे दोस्त डेविड धवन ने बनाया और ये बात डेविड धवन भी जानते हैं क्योंकि यह फिल्म मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। हालांकि इस दौरान आमिर खान ने गोविंदा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आंखें फिल्म की काफी ज्यादा बेइज्जती की। इस फिल्म को उन्होंने बलगर तक कह दिया था। साथ ही उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए कहा कि शायद उस जमाने के दर्शक इस फिल्म को इसलिए पसंद कर लिए क्योंकि इस फिल्म में बंदर वाला किरदार काफी ज्यादा फेमस हो गया था। हालांकि और भी कई सारी बातें आमिर खान ने आंखें फिल्म को लेकर कही थी, लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान आमिर खान और गोविंदा के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं रहे। इन दोनों के काम करने का तरीका काफी ज्यादा अलग था। एक तरफ जहां गोविंदा आंख मूंद कर फिल्में साइन किया करते थे और सेट पर लेट लतीफी से आया करते थे, वहीं दूसरी ओर आमिर खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आमिर खान साल दो साल बाद एक ही फिल्म करना पसंद करते थे, लेकिन उस फिल्म में कहानी वो जरूर देखते थे और वो वक्त के भी काफी ज्यादा पाबंद थे और यही बड़ी वजह थी कि आमिर खान और गोविंदा कभी भी एक साथ किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। खैर मौजूदा दौर की बात करें तो एक तरफ जहां गोविंदा इंडस्ट्री से बिल्कुल आउट हो चुके हैं, 2019 में उनकी आखिरी फिल्म रंगीला राजा रिलीज हुई थी, इसके बाद वो किसी भी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, वहीं दूसरी ओर आमिर खान अपने फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं और उनकी इस फिल्म को 2022 में रिलीज किया जाना है।